हाय दोस्तों, पीछे देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज वैसे दोनों मिलके कैंपिंग करने वाले हैं भाई। हाँ भाई, कहाँ पे उतरेंगे? यहाँ उतर जाएं क्या? हाँ चलो भाई। तो एक छोटा सा पहाड़ उतर के आए, अभी एक और छोटा सा ढलान उतरना है। देखिए इस रास्ते नीचे उतरेंगे, वहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी स्पेस मिलेगा हमको टेंट वेंट सेटअप करने के लिए, और उसके नीचे क्रिक है, क्रिक के पास रहने में अच्छा लगेगा। धोने वोने के लिए तो कम से कम पानी हो जाएगा, या क्या बोलते हो भाई? हाँ भाई। वैसे फ्रेश हो तो आज? हाँ आज तो फ्रेश है भाई, अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे आके हाँ। चलो ऑलमोस्ट पहुँच गए। पीछे एक बढ़िया मस्त बड़ा सा आम का पेड़ है। ये किसका पेड़ है भाई? ये आम का ही है तो। हाँ देखिए, लोकेशन तक पहुँच गए। यहाँ पे ये कांटेदार घास है बहुत सारे नीचे, इसके लिए पहले ना हमको जल्दी से वो बड़ा वाला टारपोलिन है ना, वो लगा डाल लेना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो पेंट में सारे चिपक जाएंगे, ऑलरेडी बहुत सारे चिपके हुए हैं, निकालना पड़ेगा। हाँ। आपने तो हाफ पेंट पहने हैं भाई? हाँ मैं हाफ पेंट पहना पूरा गर्म पैर में पूरा चिपक गया है, इसीलिए मैं हाफ पैंट पहन के आता हूँ, खास करके ऐसी जगह पर। तुमको भी तो बोल रहा हूँ मैं, हाफ पैंट बरमूडा वगैरह पहन के आओ। ये क्या फुल पैंट वगैरह पहन के आते हो तुम? हाफ पैंट पहनने से थोड़ा शर्म भी आता है। शर्म आता है, आजकल ट्रेंड है भाई। फुल पैंट पहन के मेरा आदत हो गया। आदत हो गया, अच्छा ठीक है, ये मैं आदत डाल लो, धीरे धीरे ट्राई करो, कोशिश करने पर होगा। यहाँ पे फिट कर देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं भाई, बैग वगैरह सब उतार देंगे, सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी जगह है, बादल भी काफी है, देख रहे हो आसमान पे, मतलब मेरा इशारा है शायद बारिश के चांसेस भी है भाई। बारिश होगा तो क्या करोगे, उछलोगे नाचोगे? बारिश आएगा तो मजा आ जाता भाई। हाँ क्रिक देखोगे, क्रिक ये देखो क्रिक, छोटा सा झरना। मछली पकड़ी यहाँ पे हो गए क्या भाई? मछली होंगे, इतने छोटे छोटे मछली होंगे, उस दिन एक बार पकड़े थे ना। हाँ। एक और जगह पे छोटा सा जाल टाइप का कुछ ऐसे लाके पकड़े थे। हाँ। वैसे पकड़ने पर शायद दो तीन मिल जाए, ज्यादा मिलने के तो आसार मुझे नहीं लगते अभी। केकड़े? हाँ केकड़े जरूर मिलेंगे। रुक क्या, केकड़े अगर मिलते हैं तो ये भाई साहब पका लेंगे केकड़े को डायरेक्ट। आज तो आते आते बहुत टाइम हो गया भाई, फिर भी जल्दी आएंगे। फिर भी एक अटेम्प्ट तो लिया जाए भाई, क्या बोलते हो दोस्तों? ले गया एक अटेम्प्ट केकड़े पकड़े, एक अटेम्प्ट लो, अगर पकड़ में आता है तो ठीक, ना पकड़ में आता है तो अपना खाना तो बनाएंगे वैसे ही। तो पहले केकड़े को ढूंढते ही क्या? हाँ थोड़ा केकड़े को ढूंढेंगे ना, टेंट पिच करेंगे पहले। हाँ टेंट सेटअप कर लेंगे उसके बाद, नहीं तो केकड़े थोड़ा ढूंढेंगे। ठीक है चलो, आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, केकड़े वगैरह ढूंढेंगे, उसके बाद खाना वाना कुछ स्टार्ट करेंगे। हमेशा तो खाना बनाते ही है, आज थोड़ा ये एक्टिविटी हो जाए, मजा आएगा देखने में, एडवेंचर हो जाएगा थोड़ा। चलो वैसे पानी थोड़ा मड्डी है, बारिश का मौसम है ना, ऊपर की तरफ से मड्डी पानी आता होगा। किधर है भाई? वैसे इतना सन्नाटा क्यों है भाई आज? हाँ भैया तो सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है, कहीं ये तूफान से पहले का साइलेंट तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते भाई, बारिश के मौसम। मैंने सुना था ऐसे बड़ा सा तूफान आने से पहले ऐसे ही सन्नाटा हो जाता है। जा रहा है भाई इधर उधर। हाँ वेंटिलेशन खुला है भाई, खुला है ऑलरेडी। हाँ अच्छा हुआ भाई, काम करने के लिए नहीं पड़ा, ऐसे टूट जाएगा भाई। अगली बार से बंद करना पड़ेगा। ये रख ले, हाँ रख लो भाई। थोड़ा पानी वानी पी ले। हाँ पी लो, इसके बाद जाएंगे। और यहाँ पे काफी सारे वो बिजली ज्यादा है भाई, वहाँ पे गाधा गाधा। अच्छा अमरुद बोल रहे हो? हाँ अमरुद के पेड़ ज्यादा है ना यहाँ पे?
ये तो पास में ही है, एक तोड़ेंगे। चलो पहले थोड़ा पानी पियेंगे, फिर तोड़ेंगे। आम खत्म हो गया नहीं? आम का सीजन गया, आम का सीजन गया भाई। नमक और लाल मिर्च लगा के थोड़ा खाएंगे भाई। नेचुरल का पिछली अमृत का पेड़ है ना। हाँ काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए, टेंट वेंट तो सेटअप हो गया। हाँ हो गया भाई। पास में भी एक अमरुद का पेड़ है। हाँ लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा पका नहीं ना। हाँ पका नहीं भाई। और कहाँ पे देखे थे? ओ देखो भाई वहाँ पे एक अमरुद का पेड़ है। हाँ वो पीछे की तरफ कहाँ कैमरे में दिखाई दे रहा है वो, यहाँ पे शायद ये वाला ना। हाँ वाला वहाँ पे पका हुआ दिख रहा है, मस्त हल्दी हल्दी दिख रहा है भाई। चलो गया है जाके देखते हैं। चलो भाई तोड़ के लाएंगे आज, वो भी देख लेंगे, केकड़ा भी देख लेंगे, एक साथ दो काम हो जाएगा। हाँ चलो पीछे देखिए एक और अमरुद का पेड़ में, एक थोड़ा कच्चा है। कच्चा वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पका हुआ मुझे इतना तो पसंद नहीं। खा के जा रहा हूँ। उधर देखिए अपने टेंट के पास भी एक पेड़ है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी एक पेड़ है। मतलब इस इलाके में काफ़ी सारे अमरुद के पेड़ हैं। देख रहे हैं ना भाई कैसे पक गया है, देखो। अरे बाप रे इतने सारे पके हुए। हाँ हल्दी हल्दी वाह, काफ़ी सारा पका है भाई। तोड़ेंगे क्या? एक तोड़ो, तोड़ेंगे ट्राई करो कैसा लग रहा है। देखो तोड़ रहा हूँ, नमक लगा के खाएंगे भाई। हाँ ऊपर की तरफ भी है। वाह बाप रे, हो जाएगा भाई दोनों को इतना खाओ भाई। देखो इतने में ये में पेट फूल जाएगा तो डिनर क्या करेगी फिर? मार्केट में बेच दो भाई, नहीं तो बिना डिनर पके ऐसे ही जाना पड़ेगा यही खा के। इतना सारा है मार्केट में भेज दो। नेचुरल चीज़ों को क्यों बेचेंगे भाई, खुद ही खाएंगे। हाँ। ये तो किसी और के लिए छोड़ के जाएंगे। हाँ। जंप करोगे? हाँ। करो उड़ो, सुपरमैन की तरह उड़ो भैया। ये फ्लॉप हो गए तुम, देखो भाई अभी हिट हो गए। देखो एक मस्त पका है, बढ़िया है। ये पत्थर को उठा के देखेंगे क्या ककड़े को मिलेंगे कि नहीं। ये बड़े पत्थर को उठाओगे? हाँ। खुद को क्या हनुमान जी समझ रहे हो क्या? उठा लेंगे भाई, इतना शरीर रखा वो किस लिए भाई, ये पत्थर उठाने के लिए किस दिन काम आएगा। अच्छा चलो ठीक है उठा के देख लो, मुझे डर लग रहा है। उठा के देख रहा हूँ भाई, मिलेगा भाई या नहीं, कोशिश करेंगे भाई। हाँ कोशिश करना ही तो बड़ी बात होती है। क्या कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं भाई, पानी भी सूख गया है। हाँ कुछ भी नहीं इसी। मतलब यहाँ पे जो हम आए हैं ना, यहाँ पे भी तीन नदियों का संगम, नदी तो नहीं भाई, छोटे छोटे क्रीक, छोटे छोटे झरने। ये इस तरफ है, इस तरफ जा रहा है, और वहाँ से छोटा सा देखिए झरना आ रही है उधर से। यहाँ पे छोटे मोटे पत्थर उल्टा के देखने से पता चलेगा है कि नहीं उसके अंदर। तो चलो और दो तीन वाला देखेंगे भाई, उल्टा के देखते हैं भैया। एक छोटा वाला पत्थर उठा के देखेंगे। हाँ देखो है कि नहीं उसके अंदर, नहीं पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं है यहाँ पे भी, नहीं है, नहीं है। मायूस होना पड़ेगा फिर से। हाँ भाई अभी क्या हुआ, वाला उठा के देखोगे? ये वाला उठा के देखेंगे, मिल रहा कि नहीं भाई, देखेंगे है क्या कुछ। छोटा वाला मिल गया भाई, मिल गया। काट लिया रे, काट लिया, काट लिया क्या? अरे रे रे, क्या कर रहे हो? अरे रे छोटा वाला मिल गया, चिंदी सा मिला भाई। देखो भाई छोटा वाला मिला। ये चिंदी को क्या करेंगे भाई? ये चिंदी का कुछ काम नहीं, छोड़ दो उसको। मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा, छोड़ देते हैं इसको। छोड़ दो, क्या करेंगे उसका, इतना छोटा सा। बड़ा होने दे रहे भाई। हाँ एक दिन आके पका के खाएंगे, बड़ा होने से। छोड़ दे रहा हूँ। हाँ छोड़ दो भाई, जाओ भाई बख्श देता हूँ, बसंती छोड़ देता हूँ भाई। आ गया। मैं अमृत काट ले रहा हूँ, आप कॉफी बना लो। हाँ तुम काट लो, तब तक मैं कॉफी बना लेता हूँ। ये क्या भाई, ज्यादा गर्म हो गया था लगता है। इतना धुआं निकला। नमक और लाल मिर्च पाउडर भी निकाल लेता हूँ। हाँ निकाल दो भाई, अभी से मेरा मुंह में पानी आ रहा है भाई। हाँ मेरा भी। वैसे टेंट अच्छे जगह पर लगाए है ना हमने? हाँ लगाए तो भाई। लुक कैसा है? लुक तो अच्छा है भाई, एक ही टेंट में कितना बार रगड़ाएगा भाई। हाँ तो क्या बोलते हो, टेंट को बेच दें क्या? बेचेंगे तो नहीं भाई। हाँ
एक लाख सब्सक्राइब होना हो जाने दे भाई। अच्छा टेंट को दान कर देंगे भाई। अच्छा तो अपने दोस्तों से बोलो एक लाख सब्सक्राइब करवा दे। देखो दोस्तों एक लाख सब्सक्राइब जल्द जल्द से हमारा हो जाने दो, करवा दो, टेंट को दान कर देंगे, दान कर देंगे भाई। देखो भाई होगा क्या, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, मैं नहीं खा पाऊंगा फिर। डाल दो भाई, दो क्विंटल बोला था, कौन एक किलो डाल रहे हो भाई। हो जाएगा भाई, और नहीं डाल सकता मैं तो भैया। लाल मिर्च ज्यादा डाल दिया भाई, मेरा मुंह में पानी। अच्छा पानी आ रहा है, क्या मिला रहे हो भाई तुम? तो भैया कैसा लग रहा है भाई? देख के तो अच्छा लग रहा है, अभी खाने के बाद पता चलेगा। मुंह में पानी आ रहा है तो। हाँ जोरदार। तो भाई पकड़ो गर्मा गर्म कॉफी भी। हाँ दो भाई। तैयार हो गया? हाँ अमृत भी तैयार हो गया भाई। अमृत? अमृत बोल रहे हो? हाँ भाई। अच्छा मुंह में पानी आ रहा है भाई। हाँ मेरा भी इंतजार नहीं हो रहा, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। पहले थोड़ा कॉफी खत्म कर लेते हैं, हाँ। उसके बाद उसको ट्राई करेंगे, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखो भाई किस किस को अमृत खाना पसंद है भाई, जो भी खाने के पसंद करते हैं भाई, हाँ। उसको एड्रेस भेजो, अमेज़न में फ्लिपकार्ट में भेज देंगे। अरे देखो कहीं सच में ना एड्रेस भेज दे। नहीं भेज देते, रास्ते में सड़ जाएगा ना, पका हुआ है। हाँ भाई वो भी सच बात है, सड़ जाएगा, कैसे भेजेंगे भाई? देखो नहीं तो पता चला कमेंट में सबका एड्रेस भर्ती हो जाएगा फिर। मजा आ गया, काफी सारे बादल है भाई। अरे एक दो दिन गिर भी रहे हैं अभी, मुझे लगता है बारिश आ भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो ट्राई करोगे भैया? तुम पहले ट्राई करो। हाँ भाई। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है भाई? मुंह में पानी आ रहा है भाई। अच्छा तो जल्दी से डालो ना मुंह में। डालूं? डालो, टेस्ट करके बताओ मेरे को। तुम पहले बताओगे तभी मैं उसके बाद ट्राई करूंगा। पीस मत, क्या कर रहा हो? अच्छा अच्छा चलो भाई अब ज्यादा हो गया अभी। क्या लग रहा है? सही है तो तबीयत वबीयत ठीक है तो? हाँ भाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सर चकरा तो नहीं रहा है? इधर देखो ये कितने उंगली है? 10 उंगली है। सर चकरा रहा है भाई, सर चकरा रहा है। जंगली अमरुद है बोल रहे हो? मैं नहीं खाऊंगा फिर। देखो खाओ भाई, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खा लो खा लो। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, इतने तुम कहते हो जिद करते हो इसीलिए ट्राई करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता। क्या टेस्ट है भाई? कैसा है भाई? सॉलिड, मजा आ गया। मतलब नमक और मिर्ची के साथ इतना टेस्टी, सोचा नहीं था यार। एक एक प्लेट को बेच देंगे क्या 20 रुपया में? यार जंगल में कौन खरीदेगा भाई? हाँ। ये भालू और चिड़िया ही खरीदेंगे। हाँ। ये तो खरीदेंगे नहीं, साथ में हमको भी उठा के लेके जाएंगे। हाँ। तो हमारे दर्शकों में से बेच देंगे भाई, क्या उनको बेचना क्यों भाई, फ्री में दे दो। हाँ भाई, बहुत फ्री में दे देंगे। हाँ। तो फ्री में दे देते भाई, दे दो भाई। अभी देखो इतना दिखा रहे हो, जितने लोग देख रहे हैं उनके सबके मुंह में अभी तक पानी आ गया होगा लगता है मुझे ये देख के। बढ़िया है, सच में बढ़िया है भाई, मस्त है। तो भैया अभी सब्जियां वब्जियां सब काटना शुरू करें? हाँ काटना शुरू करें भाई। देखिए आज लाए हैं ये गोभी और एक फूल गोभी, कैप्सिकम, गाजर और दो छोटे छोटे धनिया पत्ते, थोड़ा सूख गए भाई लाते वक्त, और दो प्याज। वैसे मेन डिनर के लिए ना, हाँ आज ये बनाएंगे मालाबार पराठा। ये इंस्टेंट पराठा हम लाए हैं, कभी ट्राई नहीं किया मैंने भी। हाँ। पहली बार लाए हैं, वो बटर लाना भूल गया, नहीं तो बटर साथ बनाता ऐसे सोच रहा था मैं। खैर ये तो मेन डिनर में है, जो करी आइटम बनाएंगे ना आज, हम सोच रहे हैं मंचूरियन बना रहे है कि नहीं। हाँ। मंचूरियन बनाएंगे। तो मंचूरियन बनाने के लिए पहले इन सब्जियों को थोड़ा ग्रेटिंग करना पड़ेगा, इसलिए ये एक छोटा सा लाए हैं, ग्रेट कर लेंगे गोभी वगैरह को, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। एक एक प्रोसेस देखते रहिएगा। वैसे
आप सोच रहे होंगे हम अंदर क्यों चले आए। हाँ बारिश सुन रहे हो आवाज? हाँ भाई बारिश आ गई। हाँ बूंदाबांदी हो रही है इसीलिए हाँ। ये बारिश को डरते हुए हम अंदर चले आए। अभी जो भी काम करेंगे अंदर करेंगे, अगर बारिश रुकती है तो बाहर खाना पकाएंगे, नहीं तो अंदर ही पकाना पड़ेगा। एक एक काम करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इस प्लेट में मैं ग्रेटिंग कर लूँगा, तुम काट लो। तो कौन सा वाला पहले काटूँ भाई? जो भी काटो तुम्हारी मर्जी काटो। तो हाँ इसको ग्रेटिंग नहीं होगा, बस ये तीनों का ही ग्रेटिंग करना पड़ेगा, इनको पीस करना पड़ेगा, इसको और प्याज को। तो पहले इसको आधा पीस कर लो, मैं इसको ग्रेट करूँगा। आधा काट दूँ? इसके ऊपर काट दो आधा। मस्त गोभी है तो। हाँ फूल गोभी को पहली बार ग्रेट कर रहा हूँ। तो क्या नहीं पहले। तो दोस्तों बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया हमारे साथ। क्या हुआ भाई? मैदा भूल गए भाई। ये भैया मैदा लाना भूल गए। हमारा तो ऐसा ही होता है। क्यों कैंपिंग करने आते हो भाई? सब कुछ तो घर में भूल जाते हो। एडवेंचर करना पसंद लगता है। क्या कभी भाई, कभी कभार तो ऐसे ही होता है, क्या करें। तो जितने हम आशा बांध के आए थे मस्त मंचूरियन बनाएंगे, वो सब पानी फिर गया। अभी फटाफट से कुछ अल्टरनेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। अभी मैदा भूल गए, मैदा का बिना मंचूरियन कैसे बनाएंगे, तलेंगे कैसे इसको, बोलो। हाँ। ग्रेटिंग कर रहे हैं, सब रेडी है सब्जियाँ। अब इसको तलने के लिए मैदा तो चाहिए ही। कॉर्नफ्लोर पाउडर है हमारे पास, ये देखिए कॉर्नफ्लोर पाउडर हम भूले नहीं, मैं याद करके ले आया। अभी ये भाई साहब मैदा बोला था, ये मैदा भूल गए, सोचा बैग में डाल लिया है, लेकिन बाद में यहाँ पर देखा तो मैदा है ही नहीं उसके अंदर। इसका मतलब घर में रह गया लगता है, छोड़ दिया घर में। भून के भजा कर देंगे भाई और रोटी पका के खा के भाग देंगे। अभी और कुछ चारा नहीं है, इसको ग्रेवी टाइप का कुछ बना लेंगे, सब्जी ग्रेवी जो बनता है देखते हैं। हाँ। तुम्हारे नए तरीके से। और दूसरी बार आएंगे तो फुल प्रिपेयर ही। हाँ नेक्स्ट टाइम पूरा प्रिपेयर होके आएंगे, मतलब मंचूरियन बनाएंगे तो मंचूरियन के लिए ही प्रिपेयर होके आएंगे। हाँ। जो सामान चाहिए होगा ही एक दिन पहले सब रख के आएंगे बैग के अंदर, नहीं तो जिस दिन आना होता है उस दिन लाने जाएंगे तो ऐसे ही भूलते रहेंगे हम। हाँ। तो ये ग्रेवी बना लेंगे, उसके साथ वो रोटी है हमारा पराठा, रोटी तो नहीं पराठा। और एक बात बोलूँ, ये भाई साहब तो मैदा भूल गए, पराठा बनाने के लिए जो बटर चाहिए बटर भूल गया। क्यों कैंपिंग करने आते हैं भाई हम लोग? घर में सो जाओ भैया। तुम मैदा भूल रहे हो, मैं बटर भूल रहा हूँ। क्या भाई, कभी टेंट भूल जाएंगे तो इसे खुले में सोना पड़ेगा। देखो एक दिन तो टेंट भूल के तो आए थे भाई, कैंपिंग छोड़ के गए। भाई पूछो मत, इतना जोक हो गया हमारे साथ। एक दिन बैग टेंट को टेंट ही भूल के चले हैं, बैग के अंदर है टेंट बोलते थे, समझ लेते बैग के अंदर टेंट है। यहाँ पहुंचे देखा टेंट ही गायब। भाई उस दिन हमको कैंपिंग कैंसिल करके जाना पड़ा था रिटर्न। अभी आज तो रिटर्न करके नहीं जा सकते क्योंकि अभी रात भी हो गई ना, अभी इतने देर में रिटर्न नहीं कर सकते। अभी कुछ भी बना के सर्वाइव करके जाना पड़ेगा। ठीक है, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे भाई। आया हूँ कुछ तो लूट के जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो याद है? आंखें निकाल के घोटिया खेलूंगा। अभी आंखें निकाल के घोटिया मत खेल, फिलहाल कुछ बनाने की सोचो। नेक्स्ट टाइम मंचूरियन बना के गोटिया खेलो उसके साथ। ठीक है अच्छा भाई, इसको गोभी भजा करके खा देंगे भाई। ऐसे ही करेंगे, चलो देखते हैं भाई जो होता है। अभी जो हो गया सो हो गया। जीरा पाउडर डाल रहा हूँ, थोड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक।
हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ज़्यादा नमक हो जाए खा नहीं पाएंगे। या 2 किलो डालूँ और? हाँ नहीं तो डाल दो भाई थोड़ा। चलिए अभी फ्राई करते हैं। अभी ग्रेटिंग किया हुआ सब्जी अभी डाल लेता हूँ। अभी डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस। तो चलो अभी थोड़ा पानी डाल लेता हूँ ताकि अच्छे से ग्रेवी भी बन जाए, थोड़ा मोटा ग्रेवी। चलो भाई निकाल के देखते हैं हो गया होगा अब तक तो। हाँ निकाल के देखो भाई। हाँ मस्त ग्रेवी हो गया। तो ये चलो एक फ्राई टाइप का बन गया, अभी इसको रोटी के साथ खा सकते हैं ना। हाँ चलो ठीक है, कम्प्लीटली नया आइटम हो गया ये तो। ग्रेवी करी तो बन गया। हाँ अभी ये निकाल के देखें। हाँ देखो भाई इसके अंदर से अभी क्या निकलता है मुझे भी नहीं पता, पहली बार बनाएंगे ना। हाँ तो काट दोगे? काटेंगे। हाँ इसके अंदर और एक और पैकेट, ये क्या है भाई? ये तो पराठे जैसा कुछ, देखिए क्या लग रहा है, लेयरिंग लेयरिंग हुआ है लगता है। अच्छा इसको पकाएंगे कैसे, तेल में पका लेंगे क्या? हाँ तेल में ही पका लेंगे भाई। या ऑलरेडी बटर है भाई इसमें लगता है, बटरी बटरी लग रहा है मुझे, देखो जैसे तो लग रहा है। इसके ऊपर एक कागज़ भी था ताकि ये मिल ना जाए। तो पैन तो गर्म हो गया, अभी एक एक करके डालूँ? हाँ डाल दो। कलर तो आ गया, थोड़ा थोड़ा फूल रहा है तो। हाँ थोड़ा थोड़ा ब्राउन बोन रोटी का थोड़ा होता है भाई। हाँ ऐसे ही हो रहा है। तो भैया हाँ अभी क्या करो, इसके ऊपर ये मसाले डाल दो क्या? हाँ डाल दो भाई। ऐसे रख दूँ? हाँ रख दो। अरे वाह मस्त तो आ रहा है भाई। चलो बना कुछ रहे थे बन कुछ और गया। हाँ ये भी एक अच्छी हो, अच्छा हो गया। हाँ ऐसे भी टर्निंग मेरा चाहिए भाई। नए नए तरीके से फिर से सर्वाइवल खाना कैंपिंग हो गया आज तो। हाँ ये लो भाई पकड़ो। हाँ भाई रेडी हो गया। हाँ तो शुरू करें? हाँ शुरू करें भाई, देखेंगे कैसा लग रहा है। देखो मुझे भी आइडिया नहीं, पहली बार खा रहा हूँ ये पराठा। हाँ ये फ्रोजन पराठा बोलते हैं इसको। बनने के बाद ग्रेवी मिला के देखते हैं कैसा लगता है। बढ़िया तो खुशबू आ रहा है भाई। खुशबू तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? बढ़िया है भाई। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। मैं सोच रहा था घप्पा लगेगा, बोल रहा था अच्छा है भाई। चलो बनाने कुछ और जा रहे थे, बन कुछ और गया। भी इतना बुरा नहीं है। हाँ सरवाइव कर लिया हमने। हाँ ये तो भूखे सोना पड़ता। हाँ भाई खाने के लायक है भाई। बढ़िया है। मैदा भूल गए थे ना घर में। हाँ अभी मेन चीज़ भूल जाएंगे तो आइटम कैसे बनेगा। हाँ लेकिन फिर भी हमने चला लिया काम। कोशिश करेंगे भाई, हमारे हाथ में तो है ना। हाँ आज नहीं हुआ तो कल बनाए लेंगे। ठीक है अगली बार फिर से कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन मंचूरियन बनाएंगे जरूर। उस मंचूरियन के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों खाना पीना सब करने के बाद अंदर चले आए। हरी भाई भी अपना शॉल के साथ रेडी है सोने के लिए, मस्त खराटे मार के। दोनों तरफ टेंट वेंट सील हो चुका है, सामान को एक तरफ ढकेल दिया है हमने। अभी बना कुछ रहे थे बन कुछ और गया। हाँ फिर भी काम चला लिया, खाना पीना हो गया, पेट वेट भर गया। हाँ भाई हाँ सो जाए भाई, लेट लो। सोने समय में एक
मैजिक देखना चाहता हूँ भाई। काहे का मैजिक भाई, अभी मैजिक दिखाओगे? दिखोगे? दिखाओ तो। डरने जाओ तो? मैं क्यों डरूंगा भाई, भूत बनोगे क्या? तो दिखाता हूँ भाई। क्या दिखाओगे भाई अभी? क्या देखना भाई, रह गया अभी ये क्या? ये तो पहले देखा, इसमें क्या मैजिक है भाई? मैजिक देखो भाई, मैं हेड में रखूंगा, नहीं गिरेगा भाई। अच्छा दिखाओ तो। दिखाओ होम क्रिंग 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 क्रिंग। गिर रहा है भाई, गिर रहा है। काहे का मैजिक फिर? ये तो देखो भाई, गिर रहा ये काहे का मैजिक हुआ भाई? ये तो गिर जा रहा है, हेड में रहेगा तो। देखो ये क्या अजीबोगरीब हरकत है भाई। ये मेरा मैजिक भाई। मुझे लगता है गलत खाना खा के इनका सर चकरा गया है भाई। रेस्ट ले लो, सो जाओ। इससे पहले मैंने सोचा कर्तव्य दिखाओगे, मैंने सोचा कुछ कूदोगे वूदोगे नहीं तो टेंट के अंदर। कैसा था भाई मैजिक? बढ़िया था, बढ़िया था। नमस्कार तुम्हारे मैजिक को। तो सोचा भाई, सोचा मेरा स्लीपिंग बैग अंदर है ना, बाद में निकालूंगा, ठंड लगेगी तो। अभी ठंड तो नहीं है इतना, तो बारिश भी नहीं है ना। हाँ भाई, तो गुड नाइट बोल दे भाई। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। और फिर मिलेंगे अगली बार वीडियो में, बहुत जल्दी जल्दी। इस बार लाइट मेरे पैर के पास है, मैं बंद कर देता हूँ। कर दो भाई। आई हाय, कहाँ गया रे बटन? बंद हो गया। इसको क्या करें, बेड लाइट की तरह रहने दे? इसको बाहर में रख दो भाई। कहाँ? बाहर में। बोल रहे हो क्या? ज़्यादा लाइटिंग हो रहा है ना, बंद कर देते हैं। आप बंद ही कर देता हूँ, नहीं तो बंद कर दो भाई। एक ही लाइट है। हाँ चलो।